बिग बॉस के घर में बाथरूम में 15 मिनट तक रोते रहे अब्दुल रोजीक। जी हाँ दोस्तों, दरअसल हुआ कुछ यूं कि किसी को इस बात का अनुमान तक नहीं था कि नॉमिनेशन वाली बात अब्दू को इतना परेशान करेगी। नॉमिनेशंस में आने के बाद सभी, प्रियंका जो ने अपना करीबी दोस्त बताती हैं, वो कहती हैं कि अब्दू दूसरों के फैसले के हिसाब से काम करते हैं। गौतम और सुम्बुल ने भी अब्दू को ही नॉमिनेट किया और ऑप्शन में थे यहाँ कौन, प्रियंका और अब्दू। और प्रियंका ने खुद को सेव करने के लिए कहा कि अब्दू को नॉमिनेट होना चाहिए। यह बात अब्दू को बहुत दिल पर लग गई और वो बाथरूम की तरफ जाने लगे। साजिद उनके साथ मौजूद थे, उन्हें लगा कि वो नॉर्मली ही जा रहे हैं बाथरूम में, कोई खास बात नहीं है। लेकिन साजिद को क्या पता था कि ये 19 साल का मैच्योर लड़का बाथरूम में जाकर अपने आंसू बहाकर अपने दिल के दर्द को बहाना चाहता है। जी हाँ, जहाँ आपको लगता है कि दोस्त आपके सच्चे हैं, आपका साथ देंगे, वहीं अगर वो दोस्त आपको कम आके आपके सामने ही कहे कि आप कुछ नहीं, तो दिल तो दुखता ही है। और अब्दुल रोजीक को तो पहले से ही इस बात का काफ़ी ज़्यादा डर था कि जो दोस्त इनके बने हैं वो सच्चे हैं या सिर्फ यूं ही हैं। इसी तरह से हर एक अपडेट को जानने के लिए चैनल के साथ बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।